डीएनएस हिस्ट्री और डीएनएस कैशे को आप अपने सिस्टम के अंदर कैसे देख सकते हो, इसके बारे में आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डीएनएस कैशेज होता क्या है। डीएनएस कैशेज आपके सिस्टम का एक ऐसा टेम्परेरी डेटाबेस होता है जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज करता है, ठीक है। अब डीएनएस कैशेज बनते कैसे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। डीएनएस कैशेज जब बनते हैं, जब कोई भी हम अपने सिस्टम के अंदर ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि इंटरनेट से लिंक हो, इट मींस यदि मैं कोई भी अपने ब्राउजर पे कोई भी वेबसाइट सर्च करता हूं, कोई भी ऐसे ऐड पे क्लिक करता हूं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता हूं जो कि मेरी इंटरनेट से लिंक है, उसकी कंप्लीट हिस्ट्री मेरे डीएनएस कैशे के अंदर स्टोर हो जाती है, जिससे इजीली आप इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो उसकी हिस्ट्री में जाकर। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं, जब हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी ऐसा वायरस इफेक्ट हो जाता है तो क्या होता है, उस वायरस इफेक्ट के चक्कर में हमको पता नहीं चल पाता कि हमारे सिस्टम की क्या पता कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कोई अदर वेबसाइट के पास ट्रांसफर हो रही हो, या फिर वहां से हमारे पास कोई ऐसी इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही हो जिसके बारे में हमारे सिस्टम को पता ही नहीं हो, ठीक है। तो वो सारी जो इंफॉर्मेशन होती है हम इजीली मॉनिटर कर सकते हैं यदि हमारे पास डीएनएस कैशे को मॉनिटर करने का कोई ऐसा तरीका हो जिसके थ्रू हम इनकमिंग और आउटगोइंग की सारी रिक्वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, अपने आंखों से देख सकते हैं कि भाई मेरे सिस्टम पे जो भी एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो इंटरनेट से रिलेटेड हो या फिर कोई भी ऐसा वायरस मेरे सिस्टम के अंदर आ गया हो और वो मेरी सारी एक्टिविटी को, मेरे सारे टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रहा हो बाय यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए गाइस, डीएनएस कैशेस जो होते हैं वो आपके ब्राउजर के अंदर भी एज ए हिस्ट्री के रूप में सेव होते हैं। अब क्या करते हैं हम, चालाकी से ब्राउजर की हिस्ट्री तो डिलीट कर देते हैं, बट क्या होता है कि ब्राउजर से हिस्ट्री डिलीट करने के बाद भी जो डीएनएस कैशेज होते हैं जो कि इंटरनल आपके कंप्यूटर का डेटाबेस जो कि मैनेज कर रहा है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, वो उसको स्टोर कर लेता है और वो उसको फ्लश नहीं करता, वो डिलीट नहीं कर पाता। कभी आपको ऐसा भी लगा होगा कि जब कोई वेबसाइट अपडेट हो जाती है फिर भी हमारे सिस्टम के अंदर वो वेबसाइट उसी फॉर्मेट में ओपन होती है जिस फॉर्मेट में वो प्रीवियसली थी, मतलब अनअपडेटेड फॉर्मेट में थी उसी। तो वो क्यों होती है, वो इसीलिए होती है कि जब हम डीएनएस जो हमारे कैशेज होते हैं वो उसकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख लेते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं कि भाई जो डीएनएस कैशेज होते हैं वो आपके इंटरनल जो पासवर्ड्स होते हैं, लाइक आपके यदि गूगल क्रोम पे आप कोई भी वेबसाइट सर्च कर रहे हो या आपने जीमेल भी ओपन करके देख रहे हो, जब हम उसके पासवर्ड को सेव कर लेते हैं तो वो हमारे डीएनएस कैशेज के अंदर सेव हो जाते हैं, जो कि इजीली स्पाई अटैक में ऑटोमेटिकली कोई भी जो हैकर होगा वो उसको डीएनएस कैशे के थ्रू रिट्रीव कर सकता है, ले सकता है और हैक कर सकता है। तो मैं आपको जो टूल के बारे में बताने वाला हूं ये एक थर्ड पार्टी टूल है, हालांकि आप उसको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी इजीली कर सकते हो, बट मैं आपको एज ए यूआई बेस्ड आपको एक टूल दिखाने वाला हूं जिसमें आप अपनी आंखों के सामने उन सभी एक्टिविटीज को देख सकते हो जो कि आपके सिस्टम से ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रही है, किस किस आईपी एड्रेस पे आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, किस किस आईपी एड्रेस से आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है, पूरा कंप्लीट आपको एक डैशबोर्ड फॉर्म में दिख जाएगा। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं पहले क्या है डीएनएस कैशे व्यूअर। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने जैसे कोई भी अपनी वेबसाइट ओपन करी, अभी आप देख सकते हैं ऊपर यहां पर डीएनएस जो एंट्रीज है वो 42 है, ठीक है 43 है, ये रैंडमली भरती रहेंगी। तो मैंने यहां पर कोई भी वेबसाइट सपोज करो कि यहां पर कोई वेबसाइट ओपन करी, गूगल ही को ओपन कर दी, ठीक है। गूगल ओपन करते ही अब आप देखेंगे कि जो गूगल पे रिक्वेस्ट गई, जैसे मैंने अपनी इमेज वाले पोर्शन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि 65 मेरी एंट्रीज हो गई है। यहां पर आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको रिकॉर्ड नेम मिलने वाला है जिस भी वेबसाइट पे आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, इंक्लूडिंग आपको उसका आईपी एड्रेस भी पता चल जाएगा कि किस आईपी एड्रेस पे आपकी वेबसाइट जो है वो अपने डेटा को भेज रही है, किस वेबसाइट से आपके पास आउटगोइंग इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है। और यहां पर आपको रिकॉर्ड टाइप भी मिल जाएगा, रिकॉर्ड टाइप जो मिलेगा वो उसकी कैटेगरी से डिनोट होगा, यदि आपको ए कैटेगरी से मिल रहा है, मतलब लाइक जो आपकी इंटरनेट आईपी की जो ए कैटेगरी है उससे मिल रहा है या ऑक्टा ए से मिल रहा है, जो भी आपको मिल रहा है यहाँ पर उसका पूरा कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। पीटीआर फॉर्मेट में आपको उसका रिकॉर्ड टाइप मिल रहा है वो आपको यहाँ पर उसका रिकॉर्ड का डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पर आपको टाइम मिल जाएगी कि कितने टाइम से वो डेटा आपका लाइव फॉर्मेट में, मतलब कितनी देर से वो कनेक्टेड है, वो कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। उसका डेटा लेंथ कितना है वो भी मिल जाएगा। मैसेज फॉर्मेट मिल जाएगा, रिकॉर्ड मिल जाएगा कि लाइक जो भी आईपी एड्रेस है उस पर्टिकुलर वेबसाइट की वो भी आपको कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये कंटिन्यूसली मेरी जो इंफॉर्मेशन है ये मेरी यहाँ पर बढ़ रही है, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ डीएनएस जो एंट्रीज हैं वो यहाँ पर कंटिन्यूसली बढ़ रही है, 76 और 64 कम ज्यादा हो रही है, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या लगाया हुआ है कि
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंप्लीट मेरी जो डेटा है ये किस किस वेबसाइट पे जा रहा है, मेरा जो मेरी DNS जो कैशेज है वो बेसिकली यहाँ पर कंप्लीट मुझको शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पर चाहूँ तो इन सभी DNS कैशेज को डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है, फ्लश कर सकता हूँ, जिससे क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। उसका सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है कि जब हम अपने हिस्ट्रीज को अपने कोई भी पर्टिकुलर ब्राउजर से डिलीट कर देते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके DNS कैशेज के अंदर सेव रहती है। अब क्या होता है, जब हैकर्स क्या करते हैं कि सीधे DNS कैशेज को ही वहां से रिट्रीव करते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पर रीड कर लेते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके डिक्रिप्ट कर लेते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको टाइम टू टाइम अपने यहां पर फ्लश करना होगा DNS कैशेज को। ये एक सिक्योरिटी पर्पज से भी बोल सकते हैं कि यदि आप अपने सिस्टम पे लाइक कोई पासवर्ड सेव कर दिया आपने अपने ब्राउजर के अंदर और आपने वहां से भी डिलीट कर दिया, ब्राउजर से भी डिलीट कर दिया, फिर भी आपको एक डाउट है कि यार कहीं मेरा पासवर्ड सेव ना रह जाए आपके पर्टिकुलर ब्राउजर का, मतलब लाइक आपके पर्टिकुलर कोई भी ऐसी आईडी का जो कि आपके ब्राउजर से लिंक है, तो आप यहां पर सिंपली यहां पे फ्लश कैसे पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्लश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पे एंट्री मेरी 36 हो गई। जैसे जैसे मैं फ्लश करूंगा तो वो ये एंट्री मेरी जितनी भी मेरी न्यू एंट्रीज आएंगी वो सारी फ्लश होती जाएंगी। अभी जो करंट मेरी जो यहां पर एंट्रीज दिख रही है वो मेरे जो प्लगइन्स है मेरे सिस्टम के अंदर, जो मैंने पहले से ही प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए जो कि मेरे ब्राउजर से लिंक है, वो प्लगइन्स मेरे ऑटोमेटिकली जब कनेक्ट हो रहे हैं अपनी वेबसाइट पे तो वो कुछ इस तरीके से DNS हिस्ट्रीज को बना रहे हैं। तो ये शायद क्लियर नहीं होंगे, बट जब आप नए कोई भी आपकी यहाँ पर DNS कैशे ऐड होती हैं, हिस्ट्री ऐड होती है, तो यहाँ पर आप फ्लश कर सकते हो। यहाँ पर आप रिफ्रेश रेट भी डाल सकते हो कि एवरी 5 मिनट के अंदर अंदर वो रिफ्रेश होता रहेगा, एवरी 5 मिनट में आपके डिटेल्स जो है ऑटोमेटिकली भरती रहेगी यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख के मॉनिटर करके देख सकते हो कि ये मेरे लोकल होस्ट पे अभी हिट हो रहा है। ये लोकल होस्ट पे क्या हो रहा है कि जो मैंने सॉफ्टवेयर ऑन किया हुआ वंडर शेयर का वो लोकल होस्ट पे हिट हो रहा है, जो भी है मतलब मैंने एग्जाम्पल आपको देख के बताया। तो ये सब कुछ आपको डिटेल्स यहां पर मिलने वाली है। बेस्ट यूआई टूल बोल सकता हूं, बेस्ट की DNS कैशेस को देखने का एक टूल बोल सकता हूं मैं आपको, जो कि मैं अपने सिस्टम के अंदर कंटिन्यूसली यूज करता हूं और जो भी मेरी इस तरीके से इंफॉर्मेशन होती है जो कि मुझको लगता है कि एज ए सिक्योरिटी पर्पज से मेरे को इन सारी जो मेरी सेव्ड इंफॉर्मेशन है उसको क्लियर करनी है, तो मैं DNS कैशे को यूज करके फ्लश कर देता हूं और यहां पर मेरा पूरा डेटा फ्लश हो जाता है, मेरी पूरी हिस्ट्री फ्लश हो जाती है। और आपको यदि ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको गूगल पे जाना होगा। यहां पर इस सॉफ्टवेयर का नाम है DNS कैशे व्यूअर, आप इसका आइकन देख सकते हैं DVC करके यहां पे लिखा हुआ है। तो यहां पर आप लिखेंगे DNS कैशे व्यूअर, तो यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको यहाँ पे मिलेगा DNS कैशे व्यूअर DVC। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो लिंक मिलेगी उससे आप इजीली सॉफ्टवेयर टूल को यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। एक तरह का पोर्टेबल टूल है, कुछ ऐसा ज्यादा इंस्टॉलेशन का कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप इस टूल को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपली क्लिक हेयर टू डाउनलोड लोकली जिप, यहाँ पे आपको डाउनलोड होने वाली है और इजिली आप अपने सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये छोटी सी इंफॉर्मेशन, एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। और आप यदि इस वीडियो से आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को दबा दो, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियोज मैं डालने वाला हूं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, लेटेस्ट ट्रिक्स से रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। और अपने भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहो, लाइक ठोकते रहो, कमेंट करते रहो। तो गाइस ज्यादा बोलना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।